हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विक्रांत शाही, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। एज वी हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, सो टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। तो वन बाई वन मैं सारे क्वेश्चन को आप लोगों को बताऊँगा और उसी के साथ साथ इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो आप ध्यान से सारे क्वेश्चन को समझिए और सॉल्यूशन को, और उसके बाद से इस चैप्टर को एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। यही आज आपका होमवर्क भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो पूछ रहा है, क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। यानी यहाँ पे कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये चेंजेस कैसे हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्या क्या चेंजेस दिए हुए हैं। फोटोसिंथेसिस, सेकेंड आपका डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, थर्ड आपका बर्निंग ऑफ कोल, फोर्थ है आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिफ्थ है बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉइल, और सिक्स आपका डाइजेशन ऑफ फूड। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग। अब चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, नए नए सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, और वहाँ पे क्या होता है, उसका नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक, रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है, तो ये रीज़न है। फिर उसके बाद से डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, तो ये आपको पता है ये क्या होता है, फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे एक फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब स्टेट में चेंज होता है बस शुगर के, और वापस से आप क्या कर सकते हैं, शुगर को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इसके बाद से बर्निंग ऑफ कोल, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज होता है, क्योंकि एक बार कोल जल जाता है तो उसको वापस आप ऑब्टेन नहीं कर सकते उसके ओरिजिनल फॉर्म में। द नेक्स्ट वन इज़ मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, ये भी कैसा होता है, फिजिकल चेंज होता है, बिकॉज वहाँ पे वनली वो अपना क्या कर रहा है, स्टेज चेंज कर रहा था, मींस वो सॉलिड में था और वो मेल्ट जब करता है तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, अगेन वो वापस से सॉलिड में जम जाता है, आपको पता होगा। फिर अब बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉइल, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई बॉडी अपना शेप और साइज बस बदलती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। अगेन डाइजेशन ऑफ फूड, तो डाइजेशन ऑफ फूड आपको पता है क्या होता है, केमिकल चेंज, बिकॉज यहाँ पे क्या होते हैं, नए नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो क्या होता है, बदल जाता है, एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है बदल जाता है, नए नई चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, इरिवर्सिबल होता है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक, और अगर कोई स्टेटमेंट गलत होता है तो उसके लिए आपको उसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कि अगर ये रीज़न आपने दिया कि ये गलत है तो सही क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया, कटिंग अ लॉक ऑफ वुड इन टू पीसेज इन अ केमिकल चेंज, यानी बड़े से लकड़ी को क्या करना, छोटे छोटे पीसेज में काटना, ये केमिकल चेंज होता है, तो ट्रू या फॉल्स आपको बताना है, जो भी आंसर होगा उसके बाद से रीज़न भी बताना है। सेकेंड था, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, जो आप लोग मैन्योर्स प्रिपेयर करते हैं डेड लीव्स से, जो रिमेनिंग लीव्स रहती हैं, तो वो एक फिजिकल चेंज होता है, तो ट्रू या फॉल्स क्या होगा ये बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन पाइप्स इज कोटेड विद जिंक, डू नॉट गेट रस्टेड ईजली, यानी जो आयरन के पाइप होते हैं उनको जो हम लोग क्या करते हैं, जिंक से उनके ऊपर एक पतली सी कोटिंग कर देते हैं, तो उससे रस्टिंग जल्दी नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन एंड रस्ट आर द सेफ सब्सटेंस, क्या आयरन और रस्ट एक ही सब्सटेंस को कहते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं, तो ट्रू या फॉल्स क्या होगा इसको बताइए, उसका रीज़न दीजिए अगर फॉल्स होता तो। कंडेंसेशन ऑफ अ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, जो स्टीम का आप कंडेंसेशन करते हैं, स्टीम को कंडेंस करते हैं तो क्या होता है, वापस से वाटर में चेंज हो जाता है, तो ये केमिकल चेंज है कि नहीं है, ट्रू या फॉल्स बताना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन, उसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज, जो आप पीसेस में कट करते हैं मींस वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ शेप साइज चेंज होती है, इसलिए क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा। सेकंड का आंसर हमारा था फॉल्स, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर्स फ्रॉम लीव्स इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नई चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं, इरिवर्सिबल नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर्स फ्रॉम लीव्स इज़ अ केमिकल चेंज। अगेन जो आपका अगला क्वेश्चन था वो क्या था, अगला क्वेश्चन था आपका कि आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस, तो क्या आयरन और रस्ट सेम सब्सटेंस होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, जो आयरन और रस्ट जो होता है आपका क्या होता है, अलग अलग सब्सटेंस होता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, और इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न हो जाएगा कि आयरन और रस्ट जो होता है वो अलग अलग चीज़ें होती है, आयरन आप Fe को कहते हैं और रस्ट किसको कहते हैं, Fe2O3, ये इसका होता है आंसर, ठीक। नेक्स्ट जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू, और इसका रीज़न क्या होगा, तो क्वेश्चन क्या था, कंडेंसेशन ऑफ अ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, तो सही बात है, केमिकल चेंज नहीं होता, ये क्या होता है, एक फिजिकल चेंज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंडेंसेशन ऑफ अ स्टीम इज़
इसका स्टेटमेंट सही है तो इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर फॉल्स रहता तो आप लिख देते कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज अ फिजिकल चेंज, बिकॉज वहाँ पे स्टीम क्या कर रहा है, अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स था। तो चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा था वो क्या था, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डस्ट। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो मिल्की, उसका कलर जो होता है वो कुछ मिल्की कलर हो जाता है, क्यों, उसके किसके फॉर्मेशन की वजह से, ये आपको बताना है। अगला हमारा था द केमिकल चेंज ऑफ बेकिंग सोडा इज डस्ट। आपको सॉरी केमिकल नेम बताना था, केमिकल चेंज नहीं, केमिकल नेम बताना है बेकिंग सोडा का। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया भी था, इसको आप फिल करिए। नेक्स्ट है टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर डैश एंड डैश। वो क्या दो मेथड्स हैं जिससे आयरन की रस्टिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसको आप बताइए। नेक्स्ट है चेंजेस इन विच वनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज आर फिजिकल चेंजेस। तो कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें सिर्फ डैश प्रॉपर्टीज चेंज होने पे उसको फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, ये आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म कॉल्ड डैश चेंजेस। ऐसे चेंजेस को क्या कहते हैं जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला आंसर होगा व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। यहाँ पे रिएक्शन होता है और एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो उस वाटर को क्या करता है, मिल्की चेंज करता है। आपको याद होगा तो मैंने बताया भी था केमिकल चेंज में क्या होता है, चेंज ऑफ कलर होता है। अगले का आंसर होगा द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन हमारा था टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर, तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजिंग एंड पेंटिंग। इसके अलावा और भी बहुत से मेथड्स मैंने आपको बताया था, बाय अलॉइंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट था चेंजेस इन विच वनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, यानी ऐसे चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म केमिकल चेंजेस। तो इसको मैंने आपको पढ़ाया था कि जब किसी भी चेंज में या कोई भी रिएक्शन होता है और उसमें कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, एक्सप्लेन। आपको बताना जब बेकिंग सोडा को हम लोग लेमन जूस के साथ मिक्स करते हैं तो बबल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं और वहाँ से एक गैस निकलती है, तो ये कौन सा चेंज है। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि केमिकल चेंज में क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्या होता है, गैस होता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये चेंज जो था वो क्या था, केमिकल चेंज था। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए व्हेन बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, जब उसको क्या करते हैं, लेमन जूस के साथ मिक्स करते हैं, जिसका केमिकल नेम क्या होगा, साइट्रिक एसिड, जिसके अंदर क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, तो बबल्स फॉर्म हो जाती हैं। ये बबल्स क्यों फॉर्म होती हैं, द बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बबल्स जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से फॉर्म होती है, तो ये केमिकल चेंज है, बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा है इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है तो वहाँ पे कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज। इन दिस चेंज साइट्रिक एसिड कंटेंट इन लेमन जूस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट विच रिजल्ट्स इन द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब ये ऐसा चेंज होता है तो साइट्रिक एसिड जो लेमन जूस में रहता है वो क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसका आप रिएक्शन लिख सकते हैं, साइट्रिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सारे एविडेंस है किसके, केमिकल चेंजेस के। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब एक कैंडल जलती है तो वहाँ पे दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज भी होता है, एक केमिकल चेंज भी होता है। तो आपको इन दोनों चेंजेस के बारे में बताना है। गिव अनदर एग्जांपल ऑफ अ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस, और आपको एक और एग्जाम्पल देना जिसमें दोनों फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, वहाँ पे दोनों होते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो वैक्स होता है वो सॉलिड में होता है और जब वो अपना स्टेट चेंज करता है, मेल्ट होता है, तो वो लिक्विड में हो जाता है। ये तो एग्जांपल हो गया किसका, फिजिकल चेंज का। और केमिकल चेंज क्या होता है, कुछ वैक्स आपकी पिघलती है तो कुछ वैक्स क्या होती है, जल भी जाती है। वो किस पे चेंज हो जाती है, हीट और लाइट में चेंज हो जाती है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया केमिकल चेंज का। उसी तरीके से एक और एग्जांपल जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है,
ईटिंग ऑफ फूड इज़ अनदर एग्जाम्पल वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। उस तरीके से जब आप खाना खाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है। कैसे फिजिकल चेंज कैसे होता है, जब बड़े बड़े पीसेज को आप फूड के क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसेज में, तो वो फिजिकल चेंज हो जाता है। और केमिकल चेंज जब वो क्या होता है, डाइजेस्ट होकर आपके बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल विटामिन न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में जब चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, हाउ वुड यू सो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। आप कैसे ये बताएंगे कि जो दही आप जमाते हैं घर पे वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वंस द कर्ड इज फॉर्म मिल्क कैन नॉट बी रीऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। आपको पता है कि एक बार अगर आपने दूध से दही बना लिया तो दही से वापस आप दूध नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। ये किस टाइप का चेंज हो गया, इरिवर्सिबल। अगर इरिवर्सिबल है तो आपको पता है कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। और इसके अलावा बोथ मिल्क एंड कर्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। उसके बाद से जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मिल्क की अलग होती है और कर्ड की अलग होती है। सिंस दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द केमिकल चेंज, सेटिंग ऑफ द कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। तो दोनों ही एविडेंस आपको बताते हैं कि ये किस टाइप का चेंज है, केमिकल चेंज है। बिकॉज वहाँ पे आप रीऑब्टेन नहीं कर सकते हैं मिल्क, और मिल्क और कर्ड की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से आप ये बोलेंगे कि ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेज आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। देखिए, आप जब वुड को क्या करते हैं, कट करते हैं उसको, फिर बर्न कर देते हैं, तो यहाँ पे दो टाइप के चेंजेस होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, जब आप कट करते हैं, साइजेस चेंज करते हैं, पीसेज में करते हैं, तो वो फिजिकल चेंज हो जाता है। और जब बर्न करते हैं हीट और लाइट ऑब्टेन करने के लिए, तो वहाँ पे केमिकल चेंज हो जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, व्हेन वी बर्न वुड अ न्यू सब्सटेंस कोल इज फॉर्म। जब हम क्या करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं तो वो कोयले बन जाता है, उसके साथ हीट लाइट मिलती है, इसीलिए ये केमिकल चेंज है। और जब उसको काटते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज होता है। हाउएवर व्हेन वी कट वुड ओनली द शेप एंड साइज ऑफ द वुड आर चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, देयर फॉर इट इज़ अ फिजिकल चेंज। तो जब आप लकड़ी काटते हैं तो वहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस होता है, सिर्फ उसकी शेप साइज बदलती है, इसीलिए वो कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट्स आर प्रिपेयर्ड। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी क्रिस्टलाइजेशन मेथड्स हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करते हैं उनके सॉल्यूशन से। अब इसको करते कैसे, तो उसको देखिए, द प्रोसेस इज एज फॉलोज। तो प्रोसेस को फॉलो करिए, कैसे करते हैं, अ कप फुल ऑफ वाटर इज टेकन इन अ बीकर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बीकर में एक कप क्या करना है, पानी लेना है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू दिस। उसके बाद से आपको क्या करना है, H2SO4 का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का आपको क्या करना है, थोड़ा सा अमाउंट, फ्यू ड्रॉप्स क्या करना है, उसी बीकर में ऐड करना है। द वाटर इज देन हीटेड व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। उस वाटर को क्या करना है, आपको हीट करना है, और जब वो बॉइल करना स्टार्ट कर दे, कॉपर सल्फेट पाउडर इज एडेड विद स्टेरिंग। उसके बाद से आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट पाउडर को मिलाना है, और उस सॉल्यूशन को क्या करना है, हिलाते हुए उसमें मिला देना। कॉपर सल्फेट पाउडर शुड बी एडेड ऑन टिल द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। और उसको आपको तब तक मिलाना है कि जब तक कॉपर सल्फेट उसमें क्या हो जाए, घुलना बंद ना हो जाए, तब तक आपको क्या करना है, उसमें मिलाना है। इट इज़ देन फिल्टर्ड इनटू अ चाइना डिश एंड अलाउड टू कूल। उसके बाद से क्या करना है, आपको फिल्टर करके उस सॉल्यूशन को एक चाइना डिश, मतलब एक प्लेट में क्या करना, निकाल देना, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। द सॉल्यूशन शुड बी केप्ट अनडिस्टर्ब। उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको आपको हिलाना नहीं, जैसे वैसे रख देना। आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वहाँ से धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेपरेट हो जा रहा है, वहाँ पर आपको क्रिस्टल्स के फॉर्म में कॉपर सल्फेट दिखाई देगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। कैसे पेंटिंग ऑफ आयरन गेट्स जो होती है रस्टिंग से प्रिवेंट करती है। इसका आंसर हो जाएगा, रस्टिंग इज एडेड बाय बोथ मॉइस्चर वाटर एयर एंड ऑक्सीजन। रस्टिंग किससे होती है, मॉइस्चर यानी वाटर और ऑक्सीजन से। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि जो हमारा आयरन ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो ही ना मॉइस्चर और एयर से, तो क्या हो जाएगा, वो प्रिवेंट हो जाएगा रस्टिंग से। बाई पेंटिंग एन आयरन गेट वी प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम द एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग से उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को रोक देते हैं आयरन के। तो इस तरीके से हम लोग रस्टिंग से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एनोरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस चेंज ए। आपको नाम बताना है कि कौन सा चेंज है। एनोरोबिक बैक्टीरिया क्या करती है, जो भी एनिमल वेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट कर लेती है, उसको खा लेती है, उसको क्या करती है, नया प्रोड्यूस बायोगैस प्रोड्यूस करती है। तो कौन सा चेंज होगा। अगला है, द बायोगैस इज देन बर्नड एज फ्यूल। उसके बाद से उसी बायोगैस को हम लोग क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं एज अ फ्यूल, तो वो कौन सा चेंज होगा। आपको बताना है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट चेंज है, प्रोसेस ए जो था वो केमिकल चेंज था, या प्रोसेस बी केमिकल चेंज था, तो आपको बताना है, या फिर
चार ऑप्शन दिए हुए थे, प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज, प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, नन ऑफ दिस प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज। तो आपको बताना है, तो ध्यान से पढ़िए। पहले एनोरोबिक बैक्टीरिया ने क्या, एनिमल के वेस्ट को डाइजेस्ट करके एक बायोगैस बना दिया, एक नए सब्सटेंस का प्रोड्यूस कर दिया। फिर उस बायोगैस से हम क्या कर दिए, उसको एज अ फ्यूल कर दिए, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिए। इसका मतलब क्या होगा, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस में क्या हो रहे थे, नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे थे। और इसी के साथ इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज था वो ख़त्म हो गया। तो वन बाय वन मैंने सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया, उसका सॉल्यूशन भी समझाया। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में करिए, यही आज आपका होमवर्क रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।